एक बड़ी खबर, अब ईरान लड़ाई नहीं शांति चाहता है। सीज फायर के लिए खामिनेई ने लेबनान में अपना अधिकारी भेजा है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार अली लरजानी लेबनान यात्रा पर पहुंचे। इसराइल के साथ जंग में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। लरजानी ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर और लेबनानी लीडर नबी बेरी को भी अपना संदेश भेजा था। लरजानी ने क्या संदेश भेजा अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। वही कहा जा रहा है कि लरजानी ने इस दौरान कहा कि इसराइल के साथ युद्ध विराम समझौते में ईरान समर्थन देगा। लरजानी ने कहा, हम सभी परिस्थितियों में लेबनानी सरकार का समर्थन करते हैं। जो शांति में रुकावट है वो नेतन्याहू के लोग हैं। बता दें, अमेरिका ने बीते दिनों लेबनान में युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। लेबनानी संसद अध्यक्ष नबी बेरी के सामने अमेरिकी राजदूत ने प्रस्ताव का मसौदा रखा। बेरी को हिजबुल्लाह ने बातचीत करने के लिए समर्थन भी दिया है। एक बड़ी खबर, अब ईरान लड़ाई नहीं शांति चाहता है। सीज फायर के लिए खामिनेई ने लेबनान में अपना अधिकारी भेजा है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार अली लरजानी लेबनान यात्रा पर पहुंचे। इसराइल के साथ जंग में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। लरजानी ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर और लेबनानी लीडर नबी बेरी को भी अपना संदेश भेजा था। लरजानी ने क्या संदेश भेजा अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। वही कहा जा रहा है कि लरजानी ने इस दौरान कहा कि इसराइल के साथ युद्ध विराम समझौते में ईरान समर्थन देगा। लरजानी ने कहा, हम सभी परिस्थितियों में लेबनानी सरकार का समर्थन करते हैं। जो शांति में रुकावट है वो नेतन्याहू के लोग हैं। बता दें, अमेरिका ने बीते दिनों लेबनान में युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। लेबनानी संसद अध्यक्ष नबी बेरी के सामने अमेरिकी राजदूत ने प्रस्ताव का मसौदा रखा। बेरी को हिजबुल्लाह ने बातचीत करने के लिए समर्थन भी दिया है।